आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंग्लिश वोकैब के सेशन चालू हैं और आज के हम पांच वर्ड देखेंगे। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ भैया, ज्योग्राफी के लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं। आज पहला लेक्चर लिया है मैंने ज्योग्राफी का कि किस तरीके से हिमालय बना, चैप्टर वन ओरिजिनेशन ऑफ हिमालय। जाइएगा, देखिएगा, एंजॉय करिए, ज्योग्राफी आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पांच वर्ड्स। सबसे पहला है गाइल, ओरिजिनल मीनिंग चालाक, क्लेवर। अब दोस्तों इसको आप कैसे याद रखेंगे, चालाक इंसान को हम कभी कभी गाली दे देते हैं, क्योंकि अगर इसको आप देखें तो ये क्या आ रहा है, गाइल हिंदी में पढ़िए गाली, लगभग लगभग। तो भैया कोई बहुत चालाक होता है, आपके पैसे मार लिए या कोई पार्टी नहीं देता है, तब तो हमारा बहुत मूड खराब होता है और हम ऐसे उसको गाली दे देते हैं। तो गाइल होने की वजह से हम इसको पर्सन को गाली देते हैं। बुरा मत मानना, खाली याद करने के पर्पस से बता रहा हूं। कोई भी बेटा पार्टी ना दे, कोई भी चालाक व्यक्ति मिले तो गाली देना, तो उससे पहले याद रखना गाइल का मतलब क्या है, क्लेवरनेस। ये बहुत ज्यादा गाइल इंसान है। उसके बाद दोस्तों फिडिलिटी, फिडिलिटी को अगर बोले तो इसको बोलते हैं लॉयलिटी, इसका जो मीनिंग होता है। इसको क्या करेंगे, देखिए इसका, इसके बीच के चार वर्ड्स देखिए क्या आ रहा है, डेली, फी डेली। तो भैया दिल्ली में अक्सर हमको धोखे मिलते हैं, भैया दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा मुझे आदर सत्कार, ठीक है, बिल्कुल भी गुस्सा मत होइएगा, खाली समझने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो दिल्ली वालों को अक्सर धोखे मिल जाते हैं, तो भैया क्या है, दिल्ली में फिडेलिटी तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि लॉयलिटी के लिए अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं तो वहां पे नहीं मिलेगी। सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, ये सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो फिडेलिटी को कैसे याद रखेंगे, दिल्ली से, कि दिल्ली में फिडेलिटी नहीं है। और फिडेलिटी का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, लॉयलिटी। तो आप कभी मत भूलना, पहले दिल्ली का टिकट कराना, दिल्ली जाना, तो सबसे पहले याद रखना फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल। उसके बाद दोस्तों पालिएट, पैलिएट का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना। इसको देखिए हिंदी में पढ़िए, प्लेट सुनाई दे रहा है, ये प्लेट ऐसा नहीं, हिंदी में वर्ड प्लेट। तो प्लेट में कभी कभी खाना इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा भर देते हैं लोग, स्पेशली जब आपकी शादी हो या आप कहीं कहीं पूजनीय हो, कहीं मान्य हो, तो वो तो इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं, मना करने के बाद भी वो नहीं रिड्यूस करते हैं। तो हमको बोलना पड़ता है भैया थोड़ा खाना पैलिएट कर दो, मतलब रिड्यूस कर दो। तो पैलिएट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस करना। कभी भी कोई ज्यादा खाना भर दे तो याद रखना प्लेट से, इसको याद रखना प्लेट, जैसे ही सामने आई ज्यादा खाना देखा, मतलब इसको पैलिएट, रिड्यूस करना है। उसके बाद दोस्तों वेहीमेंट, वेहीमेंट की ओरिजिनल मीनिंग होती है स्ट्रांग, यानी कि फोर्सेबल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आखिरी के चार वर्ड्स देखिए, मिंट, भैया होती थी क्लोर मिंट और मिंटोस, तो मिंट काफी स्ट्रांग होती है, जब भी आप मिंट को खाते हो काफी स्ट्रांग लगता है, एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, तो मिंट काफी वेहीमेंट होती है। तो कभी भी आप मिंट खाना, कोई भी ऐसी टॉफी जिसमें मिंट हो या कहीं पे भी मिंट हो, तो याद रखना वेहीमेंट का मतलब होता है स्ट्रांग। इससे सेंटेंस भी इसी तरीके से बना लीजिएगा ताकि कभी भूले ना। आखिरी वर्ड तो शायद कोई नहीं भूलेगा, ट्यूटेलरी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। वर्ड को तोड़िए, टूटे लड़ी, कभी भी जब आप लड़ी बिछाते हैं जो होती है ना, झालर होती है या जो लाइटिंग्स की छोटी छोटी लड़ियां होती है, कहीं पे भी वो टूट जाती है तो हम टेप से चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ट्यूटेलरी का मतलब हो गया प्रोटेक्शन, कहीं पे भी लड़ी देखना, कुछ भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, ट्यूटेलरी, प्रोटेक्शन, लड़ी टूट गई तो प्रोटेक्शन किया हमने। दोस्तों ये पांच वर्ड्स थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।